कोडल के गांव गुदराना में बच्चों के खेल को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों में जमकर पथराव व लाठी डंडे चले, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने फिलहाल मामले में शिकायत के आधार पर दर्जन भर लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल गांव गुदराना में बच्चों के बीच हुई मामूली सी कहासुनी के चलते दो पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ व लाठी डंडों से मारपीट की गई। मारपीट और पथराव का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। झगड़े का कारण खेल को लेकर बच्चों के बीच हुई आपसी कहासुनी बताई जा रही है। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से जमकर पथराव किया गया। पथराव के ख़त्म होने के बाद एक पक्ष ने अपने परिवार के लोगों के साथ हाथों में लाठी डंडे लेकर दूसरे पक्ष के घर पर धावा बोल दिया और घर में मौजूद परिवार के सदस्यों व बच्चों के साथ मारपीट की गई। झगड़े की सूचना मिलते ही मुनकटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए पलवल के सिविल अस्पताल भर्ती करवाया। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत करा दिया है। पुलिस ने मामले में दर्जन भर लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य पुलिस के सामने आते हैं उसी के आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता है। दोनों पक्षों के बीच में आपसी रंजिश चली आ रही है, जिसको लेकर इनका आपस में अक्सर झगड़ा होता रहता है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज किए हैं जो कि अदालत में विचाराधीन है। और दूसरी पार्टी किशन सिंह, इनका पहले भी झगड़ा हुआ है। दोनों पार्टियों में मुकदमे दर्ज हुए पड़े हैं। करीब एक महीने पहले भी झगड़ा हुआ था। उन्होंने एक साथ 51 भी कर रखी है। बार बार झगड़ा, इनका तनाव हुआ है, गांव में तनाव बना हुआ है। और कल इनका झगड़ा हुआ है, जिन मुकदमे दर्ज हो रहा है 298 नंबर मुकदमा दर्ज है, जिनकी कार्रवाई कर दी है और अभी तफ्तीश चल रही है, तफ्तीश जारी है। झगड़े का पता चला है क्या? पर रंजिश इनकी आपस में रंजिश चली जा रही है गांव में, उनकी पुरानी रंजिश चल रही है, लड़ाई झगड़ा है, गांव में तनाव बना हुआ है इनका। और इनके 4-5 मुकदम पहले ही दर्ज हैं, जिनके केस चल रहे हैं कोर्ट में, विचाराधीन न्यायालय हैं वो। इनकी एक अरेस्ट कर लिया है, बाकी उसकी अरेस्टिंग किशन सिंह को अरेस्ट कर लिया, बाकी अरेस्टिंग करेंगे जल्दी। इनकी तफ्तीश चल रही है अभी। मेरा बेटा है जूतम और मेरा भाई है बड़ा किशन। कल सुबह 6:30 बजे की बात है, सुखदेव जो था, मैं और सुखदेव दोनों बंद थे मुनकटी थाना में। और मुनकटी थाने में से उसका लड़का चाय लेकर के गया था नेम सिंह से उसने कहा कि जैसे वो घर जब थाने में जब आना एक आध मर्डर हो जाना, उसने ये पुलिस वालों के सामने भी कहा था। उसके बाद कोई बात नहीं, वो लड़के आते उन्होंने ताबड़तोड़ हमला इन पर कर दिया घरों में घुस करके। 40-45 लड़कों ने इतना कातिलाना हमला किया जो ज़िंदगी में कभी भी नहीं कर सकते। इनके कई वाक्य ऐसे हुए हैं, जो हमारे एक भाई छोटा था मेरा, स्टार्टअप कास्ट कंपनी में से आया 10-5 में, उसको रास्ते में घेर लिया। उसकी FIR 4 महीने बाद में हुई। 4 महीने के बाद में आज उनके 4 आदमी गिरफ्तार किए, उनमें से वो जो मैन मास्टर माइंड है, जो अनिल है, रामू है, उनको आज तक भी गिरफ्तार नहीं किया गया। रामू और अनिल की वजह से ही ये झगड़ा होता गांव में चला रहा, और इतना तगड़ा विवाद बन गया कि रामू कहता है कि मैं हरियाणा रोडवेज में ड्राइवर हूँ, मैं किसी भी आदमी का एक आदमी इनका मर्डर करवा दूँगा, 4-5 लाख रुपये लगा दूँगा। उसकी वजह से वो लोग बकलाए हूँ। 40-45 लड़के हैं उनके, हमारे दो घर हैं, किशन और मैं। हम दोनों घरों पर इतना उत्पात मचा रहे हैं, हमारे घरों पर छतों पर चढ़ जाते हैं, रात को घरों में घुस जाते हैं, लूटपाट भी कर लेते हैं। आज तक लूटपाट की भी हमारी FIR नहीं हुई है। हमने कई बार फोन कर 100 नंबर पर फोन 112 नंबर पर बीटी करी, SHO मोबाइल पर बीटी करी, उल्टा हमारे खिलाफ भी हमको बैठा लिया जाता है। 107-105 में कई कार्रवाई कर रखी है, कई हमारे खिलाफ मुकदमे भी दर्ज कर दिए। जबकि जो लोग हम पे आए दिन अत्याचार कर रहे हैं और हमारी बहन बेटियों को मारपीट कर रहे हैं, बच्चों के साथ मारपीट कर रहे हैं, घरों में हमला लूटपाट कर रहे हैं, उनका आज तो कुछ भी नहीं हुआ, न गिरफ्तार हुआ। पहले जो झगड़ा हुआ था किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? पहले झगड़ा हुआ था 9/5/2021 को गिल्ली बल्ला के ऊपर झगड़ा हुआ था, तो क्यों उसमें इस छोरे का छीन करके मोबाइल फोड़ दिया। उसकी भी हमारी कोई FIR ना हुई, ना हमारा कोई मुकदमा, नहीं किसी तरह की कोई बात, ना गिरफ्तार कर, उल्टा हमारे ही खिलाफ दर्ज किया था।
10-5 को जो मैं बात बता रहा था, 10-5 से लेकर के आज तक ये विवाद इतना बढ़ गया कि किसी भी तरह का कोई भी संगीन हादसा हो सकता है हमारे परिवार के साथ, और हमको आज तक किसी भी तरह का कोई न्याय नहीं मिला। और मेरे परिवार, हम गरीब परिवार से हैं, वो जमींदार आदमी है, कोई नौकर आदमी है, वो कहते हैं हमारे पास ये सारे गधे घोड़े की तरह रहते हैं, उन्होंने गलत मैसेज भी भेज रखे हमारे पास, हमने पुलिस को दिखाया गलत मैसेज, आज तक पुलिस ने उनके मैसेजों पर कोई कार्रवाई नहीं। उनके बच्चे सरेआम हमारे बच्चों को रास्ते में घेर घेर के मारते हैं, लाठी डंडा सरिया परसा तलवार इत्यादि आदि। अच्छा, किस वजह से जो पुलिस है वो कार्रवाई नहीं कर पा रही? आप बता रहे कई बार शिकायत दी लेकिन आपकी कोई सुनवाई नहीं। वो कहते हैं कि भाई झूठ बोलता है, हम झूठी कार्रवाई नहीं करेंगे, चाहे हम पिट जाएं, हमें वो पीट दें, हमारे घरों में हमला कर दें, फिर भी कहते हैं कि झूठे हैं। और दूसरी पार्टी किशन सिंह, इनका पहले भी झगड़ा हुआ है, दोनों पार्टियों में मुकदमा दर्ज हुए पड़े हैं, करीब एक महीने पहले भी झगड़ा हुआ था, उनके एक साथ 51 भी कर रखी है, बार बार झगड़ा, इनका तनाव हुआ है, गाँव में तनाव बना हुआ है, और कल इनका झगड़ा हुआ है, जिन मुकदमा दर्ज हो रहा है, 298 नंबर मुकदमा दर्ज है, जिनकी कार्रवाई कर दी है और अभी तफ्तीश चल रही है, तफ्तीश जारी है। झगड़े का पता चला है क्या कारण? रंजिश, इनकी आपस में रंजिश चली जा रही है गाँव में, उनकी पुरानी रंजिश चल रही है, लड़ाई झगड़ा है, गांव में तनाव बना हुआ है इनका, और इनके 4-5 मुकदम पहले ही दर्ज हैं, जिनके केस चल रहे हैं कोर्ट में, विचार दिन डालने हैं। वो इनकी एक अरेस्ट कर लिया है, बाकी उसकी अरेस्टिंग किशन सिंह को अरेस्ट कर लिया, बाकी अरेस्टिंग करेंगे जल्दी, इनकी तफ्तीश चल रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।